السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فقال الله تبارك وتعالى فاقصص القصص لعلهم يتذكرون وقال تبارك وتعالى لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه لقوم يؤمنون صدق الله العظيم तमाम क़स्म की तारीफें व बड़ाई किबरियाई, अल्लाह रब्बुल रबालत के लिए है जो हमारा हकीक मालिक है हकीक़ी खालिक है हकीक मुदब्बिर है लाखों करोड़ों दरुद सलाम हो सरवर कायनात, फ़खर मौजूदात, अहमद मुज्तबा, महमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन्हें अल्लाह ताली ने सारे कायनत के लिए रहमत बनाकर मबूस किया मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जिस तरह हमें इस मुबारक मजलिस में जमा किया है इसी तरह हमें जन्नतुल फिरदौस में जमा करें और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दस्त दुआ हूँ कि अल्लाह सुबहान तआला रमज़ान की हमारी मेहनतों को कबूल फ़रमाएँ हमारी नमाजों को कबूल फ़रमाएँ हमारे रोज़े हमारे ज़िक्र अज़कार को कबूल फ़रमाएँ और इन मेहनतों के बदौलत इनके पादाश में हमारी गर्दनों को जहन्नम से रिहा करें आमीन या रब्ल आलमीन अज़ीज़ दोस्तों साथियों बुज़ुर्गों माओ बहनों और ख़वा इस्लाम मैंने खुतब मसनू के बाद क़रान की एक आयत की तिलावत की बल्कि एक आयत की टुकड़ी की मैंने तिलावत की जिसमें अल्लाह ने अरशाद फरमाया फ़सल में तज़क करो अबी सल्लास आप इंसानियत की तारीख़ इंसानियत के कस्से बयान करें ताकि इबरत हासिल कर पाएँ ताकि एक बतौर या दहानी इनके लिए ये चीज़ फ़ायदा पहुंचाए तो जी साथियों हम रमज़ान की इन मजालस में ये जो तारीख़ी वाकयात, तारीख़ के अहम अफराद उनकी ज़िंदगी और उनके कारनामे और उनकी ज़िंदगी से इबरतें ये जो हमने सिलसिला शुरू किया है इसके पीछे असल मकसद इसी आयत की पस मंजर है कि आदमी जब किसी भी एक बेहतर आदमी की जिंदगी सुनता है किसी भी एक नेक आदमी की जिंदगी सुनता है तो उसके अंदर कुदरती तौर पर उसकी इतबा और उसे बतौर इंस्पिरेशन हासिल करने की एक खाइश पैदा होती है अल्लाह ने बंदों को ऐसे ही बनाया है हर बंदा कायद नहीं बन सकता हर बंदा लीडर नहीं बन सकता हर बंदा हर चीज़ का फहम हर चीज़ की सोच नहीं रख सकता बल्कि लोगों में गिनती के चंद होते हैं जिन्हें अल्लाह अल्लाहाना ऐसी सलाहियतों से सरफराज करता है बक़िया आम लोगों का मामला ये होता है कि वो जो भी आदमी उन्हें अच्छा लगे जो भी उन्हें इंस्पायर करे उनकी इत्तबा और उनके नक्शे कदम पर चलना शुरू कर देते हैं यही आम लोगों का तरीक़ा है और इंसान की भी यही फितरत है वो जैसे ही किसी बेहतर आदमी को देखता है और ऐसे काम वो करता है जिसे वो करना चाहता है और ऐसे कामयाबियां हासिल करता है जिनसे सारी इंसानियत को फायदा हो तो वो खुद ब खुद कुदरती तौर पर उसके इतबाह और उसके पीछे चलने की ख्वाहिश उसके अंदर पैदा हो जाती है तो इसी इंसानियत की फितरत को लेकर अल्लाह ने अपनी किताब में अच्छे लोगों के वाकयात बयान किए अगर आप कुरान को तीन हिस्सों में तकसीम करेंगे बल्कि तीन हिस्सों में कुरान की तकसीम होती है पहली तकसीम या फिर पहला कसम आप उसमें देखेंगे कि अल्लाह ने पहले तस्म में अल्लाह पर ईमान आखिरत पर ईमान अकायद और ईमानियत की बातें होंगी एक कसम कुरान का एक कसम दूसरा कसम जिसमें हम देखते हैं कि अल्लाह ने अहकाम नाजिल किए हैं डूस एंड डों नाजिल किए हैं क्या करें और क्या ना करें इनको लेकर तफसील बयान की गई है मसाइल बयान किया गया है कुरान के अंदर नमाज के मसाइल हैं कुरान के अंदर वजू के मसाइल हैं कुरान के अंदर जिहाद के मसाइल हैं तलाक के मसाइल हैं सफर के मसाइल हैं और कितने ऐसे मसाइल हैं जिनकी अशद जरूरत होती है इंसान को अल्लाह ने उन्हें बयान किया और तीसरा पूरा हिस्सा अल्लाह ने अनबिया आलम रसूल कराम नेक साल अलिया नेक साल अफरा उनकी जिंदगी को अल्लाह ने भर दिया है बल्कि बाज बाज ऐसी सूरतें कुरान के अंदर हैं, जिनमें मुकम्मल तौर पर एक नबी को लेकर उनके वाकयात बयान किए गए हैं मिसाल के तौर पर सूर्य आप ले लें यूसुफ़ के अंदर इब्राहूसफ की पैदाइश यूसुफ्लाम की शुरू के अयाम से लेकर जब यूसुफ हैं, तो उनकी पूरी जिंदगी के पूरे मराहल को बयान किया गया है एक सूरत इसके अंदर पूरी तफसील आप पाते हैं उसी तरीके से आप सूरत ले लीजिए ये ऐसी सूरत है जिसमें हम देखते हैं कि अल्लाह सुबहान तूसा का बचपन तफसील से बयान किया है वो कैसा पैदा हुए और क्या क्या वो मराहल थे कैसी उनकी वालिदा ने उन्हें बक्से में डालकर पानी में छोड़ दिया फिर के सितम और उसके जुल्म से डर कर क्योंकि ऐलान यह हो गया था कि जो भी मर्द बच्चा पैदा होगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा बाद में हुक्म में तब्दीली हुई कि एक साल कतल करेंगे और एक साल छोड़ देंगे तो जो जो साल कत्ल करने का था बच्चों का उस साल मूसा सलाम पैदा हो जाते हैं तो अल्लाह ने बेहतरीन इंतजाम किया बचपन के पूरे वाकयात हैं कैसे वो फिर के ऐवाने में पलते हैं बढ़ते हैं और कैसे अल्लाह उन्हें उनकी वालिदा की तरफ लौटाता है पूरे वाक़त आप देखते हैं और यहां तक कि वो कैसे नबी बनते हैं कैसे फिरोन के ऐवाने से निकलते हैं और कैसे मिसुर छोड़ते हैं पूरे वाकत आप देखेंगे सूर्य कसस के अंदर और सूर्य बकरा ले लीजिए आप उसके अंदर दाऊद और जालूद के वाकत मौजूद हैं बनी इसराइल के मुख्तलिफ वाक़ मौजूद हैं आप जाइए आप सूरत अनबिया पढ़िए उसमें अनबियाल की मुकम्मल जिंदगी हैं तो साथियों मुख्तर अर्ज ये करना चाहता हूं मैं कि वाकया जब आदमी सुनता है तो उसके अंदर इतबा का जज्बा पैदा होता है उसके अंदर जोश पैदा होता है उसके अंदर एक यकीन एक पैदा होता है कि मैं भी ये काम कर सकता हूं अगर किसी से कहा जाए कि भाई ये काम ये काम ये काम आपको करने हैं तो लेगा और वो पूरे रूल्स देखेगा लेकिन उसे नहीं मालूम कि इसे कैसे करना है अगर उसे एक ऐसे आदमी की जिंदगी सामने लाया जाए कहा जाए कि भाई यही अहकाम उनको भी दिए गए थे और उन्होंने देखो ऐसे ऐसे किया ऐसे ऐसे शुरू किया और बीच का मरहला इनका ऐसा था और ऐसे वो खत्म हुए तो सामने अगर एक रोल मॉडल आदमी देखता है तो काम करने पर उसका जी उतर आता है इंसानियत की फितरत है इसलिए हमने जरूरी समझा कि रमज़ान की इन मुबारक रातों में ऐसे अफराद की जिंदगी ऐसे लोगों की सवान उम्री हमारे सामने आए जिन्हें देख कर उनकी जिंदगी से हम इबरत हासिल करें और हमारे अंदर इतबा हमारे अंदर अमल का जज्बा पैदा हो हमारे अंदर कुर्बानी का जज्बा पैदा हो ये बहुत ही जरूरी है किसी भी उम्मत की तरक्की के लिए एक हिंदुस्तान ही को आप ले लीजिए यह हिंदुस्तान जिसमें हम और आप रहते हैं एक बहुत ही बड़ा मुल्क है और ये मुल्क और मुसलमानों का बहुत ही इंतहाई गहरा ताल्लुक है मुसलमान हिंदुस्तान के लिए हैं और हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए है ये ऐसा जुमला है जो अपने अंदर बहुत सारी हकीकतों को रखता है हिंदुस्तान मुसलमानों का हक है और मुसलमानों ने हिंदुस्तान को सेंचा मुसलमानों ने हिंदुस्तान को सुवारा मुसलमानों ने हिंदुस्तान को सारी दुनिया से मुतारफ करवाया अगर मुसलमान और उनकी हुकूमतें और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन ना होता तो सारी दुनिया में हिंदुस्तान की जो अहम अहम चीजें थी हिंदुस्तान की जो खूबियां थी हिंदुस्तान के जो खसाइस थे इसे सारी दुनिया नहीं जानती थी तो मुसलमान हिंदुस्तान में आए तो मुसलमानों ने हिंदुस्तान को सारी दुनिया में मशहूर करवाया और सारी दुनिया में हिंदुस्तान की अहमियत को जताया और हिंदुस्तान के अंदर खुद हिंदुस्तान को ऐसी तरक्की को पहुंचाया कि मोगलिया दौर था उस दौर में हिंदुस्तान सारी दुनिया का सबसे नंबर वन मुल्क था सारी दुनिया का सबसे मालदार मुल्क था सारी दुनिया के लोग हिंदुस्तान आना पसंद करते थे और सारी दुनिया के सामान हिंदुस्तान में बनते थे यहां तक के ऐसे कपड़े यहां बनाए जाते थे जिसके बड़े बड़े धन उंगली में लपट सकते थे इतने नर्म और इतने नाजुक कारीगरी हिंदुस्तान में होती थी और सारी दुनिया के कारखाने अल्लाह ने इस बस्ती में रखे और अल्लाह ने हिंदुस्तान को बड़ा सुनहरा बनाया यहां की जमीन को जरखेज बनाया यहां की जमीन जहां बेशुमार चीजें देती है वहां पर सोना उगलती है यहाँ की जमीन बड़ी जरखेज़ यहाँ पर जमीन आपको हर किस्म के फल और हर किस्म के मेवे देती है तो हिंदुस्तान की जहाँ बहुत बड़ी अहमियत है याद रख लें यहाँ पर मुसलमानों ने हिंदुस्तान की तरक्की में, में बेहतरीन किरदार अदा किया तो हम हिंदुस्तान में रहने वाले हमें जानना चाहिए कि मुसलमान जब हिंदुस्तान में आए और हिंदुस्तान की हालत क्या थी और मुसलमानों ने हिंदुस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया जब हिंदुस्तान में मुसलमान आए तो हिंदुस्तान लगभग 500 छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था कोई किसी ने जोड़कर इसे हिंदुस्तान का नाम नहीं दिया छोटी छोटी रियासतें थी लगभग 500 से ज्यादा थी और मुसलमान यहां आए तो उन्होंने इसे जोड़ा सबसे पहले अगरचे कि इस्लाम हिंदुस्तान में ऑफिशियल हिंदुस्तान में आने से पहले इस्लाम पहुंच गया था हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के साहिल इलाके खास तौर पर जनूब के इलाके यहां पर इस्लाम बहुत पहले आ चुका था उमर बिन खत्ताब के रज़ी अल्लाह जमाने में और बाज रिवायतों के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में खुद बाज लोग ईमान कबूल करके हिंदुस्तान में आके बस गए थे ये भी तफसील हमको मिलती है बहरहाल अगर आप उमर बिन खत्ताब की तारीख को लेकर चलते हैं तो आपको मालूम हो जाना चाहिए कि ऑफिशियल इस्लाम आने से पहले लगभग 50 साल पहले यहां पर इस्लाम आ चुका था और यहाँ के लोग इस्लाम की बढ़ोतरी को मानकर यहां पर मुसलमान हो चुके थे और उसके बाद नब्बे हिजरी में मोहम्मद बिन कासिम के जरिए हिंदुस्तान ऑफिशियली दाखिल होता है शिमाली हिंदुस्तान में ये जो कराची का इलाका है ये जो शमाली इलाका है यहां पर इस्लाम दाखिल होता है और वहां पर इस्लाम ऑफिशियल दाखिल हो गया था हिंदुस्तान में और यहाँ के लोगों ने वहां पर इस्लामी गवर्नमेंट को पहली मरतबा देखा तो पहले यहां पर अरब आए मोहम्मद बिन कासिम अरब थे और उनके बाद लगभग दो सौ ढाई सौ साल तक यहां पर अरब बादशाह आते थे जिनका ताल्लुक खिलाफत से था और इन्होंने शिमाली हिंदुस्तान में बड़ा ही अमन कायम किया हुआ था लेकिन अफसोस की बात है कि जो भी यहाँ पर खलीफा या फिर बादशाह बनकर आता उसकी जिंदगी को अल्लाह ने इतनी कम कर दी कि बड़ी तेजी से वो वफात पा जाते थे तो 200 साल की मुद्दत में 40 से ज्यादा गवर्नर हिंदुस्तान में आए तो पहले अरब आए उसके बाद हिंदुस्तान में आए अफगान महमूद गजनवी की शक्ल में उसके बाद हिंदुस्तान में आए लूधी खानदान और उसके बाद हिंदुस्तान में गुलामान जो आ, वो भी हुई जो है ईरान से उनका ताल्लुक था और उसके बाद हिंदुस्तान में आए मुगल तो आप अरब से लेके मुगल के जमाने तक आप कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग हजार साल की मुद्दत हजार साल की मुद्दत हिंदुस्तान में इस्लाम रहा है और हिंदुस्तान के लोगों ने इस्लाम को अपनाया है और ऐसे ऐसे बादशाह जिन्होंने हिंदुस्तान में चालीस चालीस साल हुकूमतें की ये जो अकबर जिनका नाम हम पढ़ते हैं अकबर ग्रेट जिन्हें कहा जाता है जिन्होंने हिंदुस्तान में लगभग 48 साल 48 एट ईयर उनकी हुकूमत रही है 40 पर आठ साल हिंदुस्तान में उनकी हुकूमत रही है और हिंदुस्तान सारी हिंदुस्तान को उन्होंने जोड़ा कहा से हिंदुस्तान शुरू होता है हिंदुस्तान शुरू होता है गजना से काबुल से और खत्म होता है रंगून में अब शिमाल से शुरू होकर जनूबी कर्नाटक तक, तक यह सब हिंदुस्तान था जिस पर मुगल हुकूमत करते थे अड़तालीस साल की हुकूमत उसके बाद औरंगजेब आए जिन्होंने हिंदुस्तान में हाफ सेंचुरी पूरी की पचास साल उनकी हुकूमत थी किसी भी बादशाह ने पचास साल हुकूमत नहीं की हिंदुस्तान में तो ये चीज यहां पर आपको समझनी है कि जहां पर अल्लाह ने मुसलमानों को हिंदुस्तान में लाया असल मकसद ये था कि यहां के लोगों के अंदर अमन व अमान कायम हो और ऐसा अमन व अमान इन लोगों ने कायम किया कि यहां की पूरी रियाया यहां की पूरी पब्लिक इनको मानती थी कोई बादशाह अगर जुल्म करे लोगों के माल को हड़पे लोगों में हिंदू मुसलमान फुला मजहब फुला मजहब ये मजहब वालों को मारो ये मजहब वालों को सामने लाओ अगर लोगों के अंदर पोलराइजेशन करके हुकूमत करता पब्लिक को तोड़ मोड़ के हुकूमत करता पचास साल हुकूमत नहीं कर सकता याद रख लीजिए आप चालीस साल हुकूमत नहीं कर सकता याद रख लीजिए आप रियाया इन्हें पचास साल तक बादशाह इसलिए मानती थी क्योंकि इनके अंदर वो इंसाफ था इनके अंदर वो एडमिनिस्ट्रेशन सलाहियत थी हिंदुस्तान में आज भी सबसे मशहूर चीज हिंदुस्तान की खूबसूरती हिंदुस्तान की इमारतें हैं उनमें ताजमहल है उनमें लाल किला है उनमें कितने ऐसी इमारतें हैं इन इमारतों को बनाने वाले मुसलमान थे जामिया मिल्ली जामिया मस्जिद दिल्ली के अंदर और लाल किला दिल्ली के अंदर ऐसी खूबसूरत इमारतें हैं जिन्हें देखने के लिए सारी दुनिया के लोग आते हैं और सारी दुनिया में इन इमारतों की शोहरत हर आदमी पड़ता है ऐसी मशहूर इमारतें हैं और इन इमारतों को बनाने में करोड़ा रुपए खर्च हुए हैं करोड़ा लेबर लगा हुआ है अगर किसी मुल्क में हंगामे होते किसी पर जुल्म होता और मुल्क में फितने होते तो किसी बादशाह को इतनी मोहलत मिलती कि ऐसी इमारतें खड़ी करता किसी बादशाह के मौका मिलता कि इतना पैसा इन इमारतों में खर्च करता इन इमारतों को जब बनाया गया है इसकी इतनी तरक्की हुई है ये इमारतें आपको लबे जबान ये दबे जबान ये कह रही है कि इन दौरों में यहां पर इंतहाई अमन था लोग बादशाह को पसंद करते थे यहाँ की हुकूमत को पसंद करते थे तो इसीलिए उन्होंने खामोशी देखा अगर भूख प्यास होती भूखमरी होती जैसे जो आज हम हिंदुस्तान के हालत देखते हैं इलिटरेसी भूखमरी जो चारों तरफ फैली हुई है और एक इमारत बनने में पता नहीं तीन हजार करोड़ लगाए जाते हैं चार हजार करोड़ लगाए जाते हैं जबकि यहाँ की लोग मर रही है लोग यहाँ रोजाना सड़क पे सड़कों में उतर रहे हैं और जब हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत थी यहां पर एक भी भिखारी नहीं था याद रख लीजिए जब अंग्रेज पहली पहली मरतबा हिंदुस्तान में आए उन्होंने चाहा, देखा कि मुगलिया सल्तनत आखिरी सांस ले रही है और यहां के जितने भी छोटे छोटे गवर्नर्स हैं उन्होंने दुनिया परस्ती को अपना लिया है तो उन्हें मौका मिला कि यहां पर वो अपना सिक्का जमा सकते हैं तो उन्होंने यहां पर रिसर्च किया और क्वीन एलिजथ ने बाकायदा एक आदमी जिसका नाम था जो एक बहुत ही बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर था बहुत ही बड़ा जहीन आदमी था उसे बाकायदा वो भेजती है है कहती है कि तुम जाओ पूरे हिंदुस्तान को नापो पूरे हिंदुस्तान घूमो ऑफिशियल विजिट करो और उसके बाद वापसी में रिपोर्ट देना ये बताना कि हम यहां पर अपनी हुकूमत कैसे कायम कर सकते हैं कैसे ब्रिटिश एम्पायर एस्टेब्लिश कर सकते हैं ये तुम्हारी राय में चाहिए तो बाकायदा आता है हिंदुस्तान और पूरा हिंदुस्तान घूमता है माली हिंदुस्तान जनूबी हिंदुस्तान मश्रक हिंदुस्तान मगरबी हिंदुस्तान पूरे हिंदुस्तान को घूमकर जब वो वापस इंग्लैंड जाता है से मुलाकात नहीं करता सीधे घर चले आता है हालांकि ऑफिशियल तौर पर उसे रिपोर्ट देना था तो क्वीन ने कहा कि आओ रिपोर्ट दो तो इसने कहा कि रिपोर्ट देने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं पूछने पर कहा कि जो तुम जानते वही हिंदुस्तान है तो बाद में उसे मजबूर किया गया तो बुलाकर क्वीन ने पूछा कि मामला क्या है तुम क्यों खामोश हो क्यों कुछ नहीं बोलते तो उसने कहा कि तुम जो खब देखती हो वो ख्वाब हो नहीं सकता हिंदुस्तान में तुम्हारी हुकूमत हो नहीं सकती पूछती है वो क्यों क्योंकि हिंदुस्तान के लोग बड़े अमन में हैं सब बड़े चैन सुकून से हैं की जरूरिया पूरी होती हैं अच्छी अच्छी सड़कें बनी हुई हैं सब तिजारत करते हैं आवाम को क्या चाहिए अमन अवाम को चाहिए पैसे और आवाम को चाहिए तालीम किसी भी हुकूमत को काम करनी है ये तीन अनासिर का होना जरूरी है पहले अवाम को तालीम चाहिए नंबर दो उन्हें अमन चाहिए नंबर तीन उन्हें माहाना पैसे चाहिए जिंदगी गुजारने के लिए ये तीन हो तो किसी भी कौम अमन से हो जाएगी ये तीन चीजों में किसी भी एक चीज पर मार लगे तो कौमें उठ के खड़ी हो जाती हैं झगड़ती हैं प्रोटेस्ट करती हैं इनकलाब लाती हैं तो कहता है कि ये तीन चीजें ये तीनों की तीनों हिंदुस्तान में भरपूर हैं यहां पर मैंने देखा कि इतना अमन है कि ये हिंदू मुसलमान आपस में भाइयों भाइयों की तरह रहते हैं कोई आपस में झगड़ता नहीं है और दूसरी बात यहां पर इतना इतना पैसा है कोई यहां पर मैंने फकीर को नहीं देखा कोई आदमी भीख नहीं मांगता है जबकि हम यूरोप की सड़कों में देखते हैं कि लोग चादर उठाए घूमते हैं इतनी इतनी फक्रो फाका कि एक दूसरे के खून के पैसे हैं यूरोप के अंदर यह हिंदुस्तान में मैंने नहीं देखा और वहां पर तालीम तो और हर आदमी को तालीम मिलती है बेहतरीन तालीमी इदारे बनाए हुए हैं तो उसने कहा कि हर एतबार से आप जो ख्वाब देखती हैं वो ख्वाब हो नहीं सकता तो उसके बाद बाकायदा वहां के इंटेलेक्चुअल्स ने प्रोग्राम बनाया कि हिंदुस्तान का जो माल है हिंदुस्तान के लोगों को फकीर बनाया जाए उनकी दौलत को छीनी जाए उन्हें सैलरी बेस्ड बना दिया जाए उनकी तिजारतों की मंडियों को खत्म किया जाए और इस पर उन्होंने अमल किया पचास साठ साल अमल किया बाकायदा आते थे और एक आदमी को सूद देते और वो सूद में फंसता तो उसकी मंडी को छीन लिया उसके कारखाने को छीन लिया उसके इलाके को छीन लिया और ऊपर से जाते कर्ज देते निज़ाम सूद का इस्तेमाल किया और यहाँ के लोगों को उन्होंने फकीर जो है फाके में डाल दिया तो इसे मालूम हुआ कि हिंदुस्तान में इंतहा अमन था और सारी दुनिया के लिए हिंदुस्तान एक रोल मॉडल था तो हिंदुस्तान के अंदर अजीज साथियों सुबहान तला ने बहुत सारी नमतें रखी हुई लेकिन अफसोस आज जिस माशरे में हम रहते हैं और जिस जमाने में हम रहते हैं यहां पर बाज दुश्मन ने इस्लाम ने ये बेड़ा उठाया है कि हिंदुस्तान की तारीख को बदल कर रख देंगे यहां के सिलेबस में जहां मोगलिया बादशाहों का जिक्र होता है उनके कारनामों का जिक्र होता है उसे इन्होंने सिलेबस से भरपूर निकाल दिया और ऐसा सिलेबस बना रहे हैं ऐसी तारीख की किताबें तैयार कर रहे हैं जिसे पढ़कर आदमी को जरा बराबर भी इल नहीं होगा कि हिंदुस्तान में होते कौन थे हिंदुस्तान में किन किन लोगों ने यहां पर हुकूमतें की बल्कि इन चीजों को पढ़ने के बाद यह मालूम होता है कि मुगलिया नामी कोई चिड़ी थी जो यहां पर रहती थी है ना और अरब हिंदुस्तान में अरब से उनका क्या ताल्लुक है और हिंदुस्तान में लूटने के लिए वो आते थे यही चीजों को बताया गया है देखिए कोशिश देखिए सिलेबसों को बदलने की कोशिश है आने वाली नसल को उनकी तारीख छुपाने की कोशिश है लेकिन कुर्बान जाए हमारे उलमा पर जिन्होंने अपनी पूरी मेहनत हिंदुस्तान की तारीख को जमा करने में लगाई हिंदुस्तान की तारीख आज आपको उर्दू की किताबों में मिल जाएंगी हिंदुस्तान की तारीख आज आपको फारसी किताबों में मिल, मिल जाएंगी तो जो भी नया जो हिस्ट्री लिखा जाता है अजीज साथियों आप देखेंगे आने वाले दिनों में आने वाले जनरेशन को बिल्कुल हिंदुस्तान को नया बनाकर पेश किया जाएगा लेकिन याद रख लें अगर कौम तारीखें भूल जाती हैं तो उन पर अपना तसलु जमाना अपना डोमिनेशन जमाना बहुत आसान है डोमिनेशन जमाना बहुत आसान है क्योंकि उनको नहीं मालूम कि उनके आबा आजदाद कौन थे उन्हें नहीं मालूम कि जमीन में से उनका क्या ताल्लुक है बड़ी आसानी से डोमिनेशन जमा सकते हैं और बड़ी आसानी से उन्हें गुलाम बनाया जा सकता है और बड़ी आसानी से उन्हें खत्म किया जा सकता है ये कोशिशें जारी हैं ऐसे मौके पर ऐसी मजालिस की अहमियत ज्यादा हो जाती है जहां पर हमें हमारी तारीख जानने का मौका मिलता है तारीख रिकॉर्डों के सेव हो जाती है लोग उसे पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि हकीकत क्या है और किताबों में जो हकीकत पेश की गई है वो हकीकत नहीं है बल्कि वो झूठ और इफ्तरा पर मबनी है ये चीजें मालूम होनी चाहिए तो इस चीजों को लेकर इनकी अहमियत को लेकर हम हमेशा से कोशिश करते आए हैं कि आपसे आपके सामने ऐसी तारीखें आए और हम हमारी तारीख जाने और हमारी तारीख साज अफरा लोगों को हम जाने ये हमारी कोशिश होती है तो चलिए आज जिस हस्ती को लेकर मैं आपके सामने गुफ्तगु करना चाहता हूँ वो हस्ती बहुत ही अहमियत वाली है और बहुत ही मशहूर है मशहूर इस एतबार से अगर आप हिंदुस्तान में अगर कोई आदमी दीन पढ़ना चाहे दीन की तालीम हासिल करना चाहे तो हिंदुस्तान में कौन से कौन से मदरसों का नाम याद आएगा आप कहेंगे कि दिल्ली के अंदर देवबंद मदरसा है ना लखनऊ के अंदर उलमा और बनारस के अंदर जामिया सलफिया और जितने भी हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े मदारस हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ले लीजिए आप और जनूब हिंदुस्तान में बायात तो सालिहात ले लीजिए आप जा, जामिया दार ले लीजिए आप ये ये हैं जहाँ पर इल्म पाया जाता है यह है इल्म के गहवारे। यहां से इल्म निकलता है यहां से लोग इल्म सीखते हैं। मैं आपको बताता चलू जितने जिसके ताल्लुक से आप सुनने वाले हैं ये जितने भी मदारिस, ये ये जितने भी मदारिस गए, ये बनाए गए इसी शख्सियत के शागिर ने बनाई ये सिलसिला शुरू करने की कोशिश इसी शख्सियत ने की वरना हिंदुस्तान में दीनी तालीम हासिल करने के लिए ऐसे चीज मुहैया नहीं थी बल्कि हिंदुस्तान में हदीस किताब और सुन्नत की तालीम को तो लोगों ने भुला दिया लोगों ने दीन को सिर्फ चंद मसाइल का नाम समझ लिया और दीन को समझना अल्लाह की किताब को समझना यह चीजों को लोगों ने भुला दिया था उस वक्त अल्लाह ने इस शख्सियत को भेजा और इस शख्सियत ने नबी वसल्लम की उस हदीस

और खास तौर पर अगरचे की इस्लामी हुकूमत थी लेकिन अल्लाह और अल्लाह की किताब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादी से बहुत दूर थे बहुत दूर थे और सिर्फ मसाइल को उन्होंने दीन समझा रखा था तो इन्होंने आए आए और इन्होंने इन लोगों को जोड़कर सही दीन की तरफ बुलाया मैं आपको एक मिसाल बताता हूं जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि हिंदुस्तान में क्या हालात थे हिंदुस्तान में लगभग ये एक मुगलिया बादशाह अकबर के बाद के जमाने का वाक है कि यहां पर पोर्चुगीज आए थे और वो अपने मजहब ईसाइत को लेकर बहुत सीरियस थे मिशनरी लोग थे आपको मालूम होना चाहिए मिशनरी लोग कौन होते हैं मिशनरी लोग वो होते हैं जो लोगों को ईसाई बनाते हैं है ना लोगों को ईसाई बनाने के लिए जितने भी यूरोप ममालिक हैं सब कंट्रीब्यूट करते हैं मैं आज की बात बता रहा हूं आप चेन्नई में जहां कहीं भी चले जाइए आपको बड़ी बड़ी आलिशान इमारतें नजर आएंगी बड़ी बड़ी इमारतें नजर आएंगी और करोड़ा पैसे खपाए जाते हैं करोड़ा पैसे दिए जाते हैं सिर्फ और इस, सिर्फ इसलिए कि लोग ईसाई हो जाएं, और ईसाई मिशनरीज बड़ी तेजी से काम कर रही हैं हम और आप हमारे काम इन लोगों के सामने मैं तो कहूंगा कि दो तीन फीसद भी नहीं है वो पूरी मेहनत लगा रहे हैं और इसके पीछे पूरे पैसे लगा रहे हैं और आप जब जुमे का खुतबा देते हैं तो बिल्कुल उसी वक्त वो अपने अपने हॉल्स को भरते हैं लोगों को ला ला कर ईसाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं और यहां पर जहां हम हैं जनूबी हिंदुस्तान मद्रास के अंदर ईसाई बनाने का एक बहुत बड़ा गोल बहुत बड़ा काम चल रहा है और यहां पर ऐसे ऐसे बड़े बड़े पैस्टर्स हैं जिनके अकाउंट्स में करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो लोगों को ईसाई बनाए तो ये जो ईसाई मिशनरीज हैं ये कदीम जमाने से काम कर रहे हैं और इन इन इन्हें इनके पीछे पूरा यूरोप लगा हुआ है और पूरा यूरोप इन्हें हर चीज सप्लाई करता है इनकी माली मदद करता है यूरोप के अंदर बाज ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर बंदों के काम कर लोगों के अकाउंट में से बाकायदा इतने परसेंटेज निकाल लिया जाता है बगैर पूछे टच इसलिए कि ये मिशनरी काम में पैसे लगाए जाएंगे बास जगह दस दस फीसद निकाल लेते हैं सिर्फ और सिर्फ के मिशनरीज में पैसे लगाए और लोग देते हैं और उसके पीछे आप देखते हैं कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में कैसे ईसाइत को फैलाया जाता है अफसोस के हम मुसलमान इन चीजों को देख रहे हैं और हमारी कोशिशें रेंगने जैसी हैं जैसे बच्चा रेंगता है ना वैसे हमारी कोशिशें हैं वो लोग दौड़ रहे हैं हम लोग रेंग रहे लेकिन हम और उनमें फर्क ये है कि हमारे पास अल्लाह की किताब है हम चाहे रेंगे ना रेंगे अल्लाह का काम अल्लाह की किताब अपना काम करती है और अल्लाह का कलाम अपना काम करता है और इस्लाम अपने रोशन किरणों को फैला कर रहता है वो अपना जिस्मानी जोर लगाते हैं हम कुछ भी जोर नहीं लगाते ये अल्लाह का कलाम है ये अल्लाह का दीन है खुद ब खुद फैलते जा रहा है लेकिन इसका माना ये नहीं कि हम खामोश बैठ जाए है ना अगर खामोश बैठेंगे दावत का काम छोड़कर बैठेंगे

तो हाथ उठा के दुआ करोगे दुआ कबूल नहीं करो अल्लाह करेगा और आसमान से अल्लाह पत्थर गिराएगा अजाबें आएंगी लानतें आएंगी क्योंकि अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाना लोगों ने छोड़ दिया ये नबी साम की हदीस है से मालूम हुआ कि लोगों को अल्लाह के दिन की तरफ बुलाना ये हमारे दिन का जुज है हमारे ईमान का एक हिस्सा है अफसोस तो मैं बता रहा था कि मिशनरीज जो है ना ये अपना काम हमेशा से करते आ रहे हैं इनमें से आपको मैं दो तीन मिसाल बता ही दे देता हूं एक अंडमान आइलैंड आप जानते हैं यहां पर कोई ईसाई नहीं था एक भी ईसाई नहीं था आप जाइए आप, आप बड़ी तादाद आपको नजर आएगी यहां पर सबसे पहले एक पादरी आया था वो इन लोगों को ईसाई बनाने के लिए आप जानते हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में ऐसे ट्राइबल पीपल रहते हैं उनमें से पास कपड़े पहनते भी नहीं है उनके पास कपड़े पहनना जुर्म है कोई आदमी कपड़े पहनकर जाएगा और मार देते हैं सीधे सीधे ऐसे ट्राइबल अभी भी लोग हैं उधर तो ये पादरी उनके पास जैसे वो थे वैसे जाता है बरहना मादरजात नंगा बनकर उनके दरमियान जाता है और उनके साथ रहता है और उनकी जबान सीखता है उनकी जबान में बाइबल का तर्जुमा करता है वो ऐसी जिसे लिखते नहीं जबान को लिखा उसमें बैबल का तर्जुमा किया और वहां के लोगों को उसने ईसा ही बनाया और दुनिया में सबसे पहले जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो सबसे पहले किताब बाइबल को छापा इन लोगों ने बाइबल के आसानी के लिए इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस किया किताबों को छापने का सिलसिला शुरू किया लेकिन उनके पास बाइबल के अलावा कोई चीज छापने की नहीं थी तो उसके बाद उन्होंने हमारी किताबों को छापी ये तो अलग तारीख है उसके बाद हमारी तारीखी किताब फकी किताब सीरत की किताब इन इन चीज़ों को उन्होंने छापा यूरोपियंस आए उन्होंने अरबी जबान सीखी किताबों को छापना है तो इन अरबी किताबों को लेकर गए उन्होंने इसे छापा पहली मरतबा कितनी ऐसी हमारी किताबें हैं जो सबसे पहले उन लोगों ने छापी तफसीर तबरी ये सबसे पहले उन्होंने छापी तारीख तबरी सबसे पहले उन्होंने छापी कितनी हदीस की किताबें सबसे पहले उन लोगों ने छापी जर्मन जर्मनी के अंदर इन चीजों को छापा गया तो बताने का मकसद है कि इस अंदाज से इन लोगों ने अपनी मिशनरी काम की तो उस जमाने में आए और आकर बादशाह से कहा कि देखिए हम ईसा बिन मरियम को खुदा मानते हैं ये ईसाई हम जिस पर हम मर मिटते हैं अगर तुम कहते हो कि तुम्हारा हक इस्लाम हक पर है तो चलो डिबेट हो जाए तो बादशाह ने मुसलमान को बुलाया मजलिस में मुसलमान है और यहां पर ईसाई पादरी है पोर्चगीज है अब ये गुफ्तगु का आगाज शुरू होता है तो पोर्चीज कुरान की बाज आयतों का तर्जुमा पेश करते हैं कहते हैं कि तुम्हारी किताब में ईसा सलाम की तारीफ है तुम्हारी किताब में अल्लाह ने ईसा सलाम की पैदाइश एक बहुत बड़ा करिश्मा बताया है वो अपने दावे को पेश कर रहे थे अल्लाह की किताब से दलील दे रहे थे जब इन्होंने दलील दी तो मुसलमान ने कहा कि ऐसी नहीं।, नहीं।, नहीं चलो सफा उठाकर देखो सफा उठाकर देखे तो उन्होंने अरबी में देखा उन्हें समझ में नहीं आता था उलमा है लेकिन उन्हें अरबी समझ में नहीं आ रही कुरान का तर्जुमा हुआ ही नहीं कुरान के मालूम से वहकििफियत नहीं है मैं यह बता रहा हूं उस वक्त के उलमा की हालत उस वक्त दीन के उलमा जो लोगों को दीन सिखाते उनका ये आलम है कि यहां पर ईसाई कहते हैं कि तुम्हारे कुरान में फलां फलां आयत है तो ये जानते भी नहीं कि इनके कुरान में कहा आयत है इसे मालूम हुआ कि कुरान पढ़ना कुरान की जब सीखना इससे मसाइल निकालना यह सिस्टम तकरीबन इन्होंने बुला दिया था ये मरहला हो गया था हिंदुस्तान की हालत ऐसी हो गई थी उस वक्त अल्लाह ने इस शख्सियत को भेजी इस शख्सियत का नाम शाह वली शाह वली इनकी पैदाइश होती है एक हजार एक सौ चौदह हिजरी में इनकी पैदाइश दिल्ली में होती है दिल्ली के आसपास गांव में होती है और इनके वालिद जिनका नाम रहीम था और उनके वालिद जिनका नाम वजीहुद्दीन था ये उमर बिन खत्ताब की नस्ल से थे और इनके दादा के परदादा ये हिंदुस्तान आए थे उस वक्त जब सारे आलम इस्लामी में तातारियों का हमला शुरू हो गया तातारियों ने हमला किया वहां के उलमा दौड़कर कई लोगों को मार दिया गया जो भी बचे वो हिंदुस्तान में दाखिल हो गए एक अहम रीजन है कि हिंदुस्तान में लोगों की तादाद क्यों ज्यादा है तो ये अक्सर सेंट्रल एशिया से लोग यहां पर आ गए थे क्योंकि उस जमाने में तातारियों ने इतना हंगामा मचाया हुआ था क्यामत बर्पा किया हुआ था तो वहां के लोग दौड़ दौड़ के दौड़ दौड़ के हिंदुस्तान आ गए तो उनमें से इनका खानदान भी बाकायदा हिंदुस्तान आ जाता है और दिल्ली में बस जाते हैं और दिल्ली में इनके जो दादा थे इन ये औरंगजेब के साथ थे उनके लश्कर में जिनका नाम वजीहुद्दीन था औरंगजेब रहमत लाला आल के लश्कर में थे और लश्कर में रह के इन्होंने जबरदस्त सिपैसा लाभ की और जबरदस्त अपनी दिलेरी दिखाई बहुत सारी लड़ाइयों में औरंगजेब के खास खास आदमी थे और उसके बाद औरंगजेब रहमतल्ला ने जो इस्लामी शरीयत को दोबारा नाफिज करने की कोशिश की इस्लामी शरीयत को नाफिज करने की उन्होंने बास जगह सेमी कोशिश की जो गलत पढ़ी और लोगों ने उन्हें नफरत की नजर से देखना शुरू कर दिया और उनकी मुकम्मल कोशिश थी कि सारे हिंदुस्तान में शरीयत का रूल लाया जाए तो इसलिए उन्होंने क्या किया सबसे पहले कहा कि उलमा के, के फतवे उनके इख्तलाफा को खत्म करें उनके अख्तराफ क्यों शुरू होते हैं क्योंकि हर आदमी फतवे देना शुरू कर देता है हर आदमी अपनी बातें बताना शुरू कर देता है तो इसे खत्म करना है तो करना यह है कि जो भी अहम फतवे हैं उन्हें हुकूमत एक किताब की शक्ल में छापे और लोगों से कहे कि इस किताब को बुनियाद बनाओ इस किताब से फतवे दो तो उन्होंने किताब लिखी आलमगिरी औरंगजेब ने इस किताब को शुरू किया था हालांकि उन्होंने नहीं लिखा उन्होंने सारे हिंदुस्तान से लगभग सौ से ज्यादा उलमा को बुलाया और सबको कहा कि मैं खूब आपको तनख्वाहें दूंगा और आप लोग बैठ के इस फतवों को लिखें और तमाम उलमा ने फतवे लिखे उन उन उलमा में से एक शाह के वाले जिनका नाम रहीम शाह रहीम था वो भी उन फतवों लिखने वालों में एक अहम आदमी थे इसे मालूम हुआ कि बल्द मरतबा आदमी थे और इनका खानदान बहुत ही जबरदस्त खानदान था इल्मी खानदान था इनकी पैदाइश होती है मैंने आपको बताया जब इनकी पैदाइश हुई औरंगजेब की वफात से चार साल पहले पैदा होते हैं उसके बाद औरंगजेब की वफात हो जाती है और जिस दिन औरंगजेब रहमत आल की वफात हुई तो हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत हकीकी माने में खत्म हो गई लेकिन मुकम्मल तौर पर खत्म होने के लिए लगभग दो सौ साल लगे औरंगजेब के बाद लगभग तीस से ज्यादा मुगलिया बादशाह आए लेकिन किसी में दमखम नहीं था किसी में दमखम नहीं था औरंगजेब एक ऐसे आदमी हैं जिन्होंने 50 साल हुकूमत की और ऐसी हुकूमत की कि सारे हिंदुस्तान को अपने कंट्रोल में रखा हुआ था उनके जमाने में सारा हिंदुस्तान नंबर वन था और उनके जमाने में सारे हिंदुस्तान में लोग आना चाहते थे और हिंदुस्तान की तिजारत आसमान को छू रही थी और उनके जमाने में हिंदुस्तान माली एतबार से बड़े सुपर पावर्स में थे बल्कि सारे दुनिया का नंबर वन था ए, इसमें जरा बराबर भी शक नहीं तो जैसे ही इनका जमाना खत्म हुआ तो इनके लड़के एक आए जिनका नाम आदिल शाह था वो बिल्कुल फालतू तो आदमी निकलता है वो शी के अख्तियार कर लेता है बिल्कुल बाप के अगेंस्ट जाता है तो खतरनाक नुकसान तो उठाता है और लोगों ने उसे कत्ल कर दिया उसके बाद फर्रुख सेर नामी उनका एक बेटा आया उसके बाद मोहम्मद शाह और उसके बाद आलम शाह ये चार बादशाह आलम शाह के जमाने में उल्लाह देहलवी मौजूद होते हैं तो ये जो बादशाह थे इनमें से बाद लोगों ने बीस बीस तीस तीस साल हुकूमत की लेकिन इनका मामला यह था कि इनकी हुकूमत सिर्फ इनके घर के चार दीवारों में होती थी और बेतहाशा खर्चा था और अयाशी तयश के सामान लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन सलाहियत नहीं तो हुआ क्या कि बहुत सारे गवर्नर्स ने कह दिया कि हम इंडिपेंडेंट हैं सब अपने अपने इलाके उठा लेते हैं और इनका मामला यह था कि दिल्ली में बैठे हैं कोई इनकी बात नहीं सुनता घर में जो बेगमात है उनकी बात चलती है उन्हें ज्यादा हिंदुस्तान के ताल्लुक से परेशानी है ये साहब को कोई परेशानी नहीं ऐसे बादशाह आ गए तो बिल्कुल बड़ी तेजी से हिंदुस्तान गिरने लगा यहां तक एक साहब जिनका नाम मोहम्मद शाह था जिन्हें मौरखिन बड़े मस्करान अंदाज से कहते हैं मु, मोहम्मद रंगीला ये साहब का तो मामला यह था कि हमेशा घर में पड़े रहते थे दिन सालिम सोते रहते थे अंदर से औरतें धक्का मार के बाहर ढगलती कहती जा कि जाओ जाके देखो कि हुकूमत में हो क्या रहा है तुम बादशाह हो जाओ हुकूमत देखो लेकिन ये साहब अंदर पड़े ही रहते थे तो इस अंदाज से ऐसी बर्बादियां हुई अब ये जमाना था कि अल्लाह ने एक मौका दिया मुगलिया सल्तनत को उठा खड़ाने का अल्लाह ने अहमद शाह अब्दली नामी एक जबरदस्त बादशाह अफगानिस्तान से आते हैं वो आकर हिंदुस्तान को यहां पर जो मराठा और दूसरे लोग यहां के मुगलिया सल्तनत को खत्म कर रहे थे को मार भगाते हैं और उसके बाद आलम शाह से मोहम्मद शाह से कहते हैं कि आओ अपनी सल्तनत ले लो ये आदमी डरते हुए कहता है कि नहीं नहीं मैं तुमसे डरता हूं मैं सल्तनत लेने के लिए नहीं आ सकता वो चीखते रहा दिल्ली में बैठ के कि आओ सल्तनत ले जाओ इसने कहा कि नहीं डर है कहीं आप मुझे मार दोगे मैं आपके सामने नहीं आता तो दस साल के बाद आता है ये जाने के बाद इतना उसे डर था तुम बताने का मकसद ये कि ऐसी बदतरीन हालत हो गई थी हिंदुस्तान की जब ऐसी सियासी हालत हो गई पोलिटिकल हालत थी तो लोगों की हालत तो और बदतर हो गई ये वो जमाना था जब मुख्तलिफ की सर उठाना शुरू कर दी ये वो जमाना था जब पीरी मुरीदी में ज्यादा जोर आ गया ये वो जमाना था जब हिंदुस्तान में कबर परस्ती का सिलसिला शुरू हो गया यह वो जमाना था जब कबरों में तवाफे होती थी ये वो जमाना था जो लोग खूब खर्च करते थे बिदात में मुख्तलि फातिया मुख्तलिफातह खानी मुख्तलिफ चीजें दीन के नाम से जो बहुत बड़ा एक समझिए कि एक खतरनाक धूल का एक बहुत बड़ा दबीज अंधेरा इन लोगों के दिलों में पड़ गया ये वो जमाना था खतरनाक तौर पर दीनी एतबार से इन बिल्कुल दूर हो गए थे दीन से यहां तक मामला होता था कि पांच वकत की नमाजें मस्जिद में अजाने होती रहती थी मस्जिद में एक सफ भी बनती नहीं थी लेकिन बगल में दरगाह में ठाटे मारता हुआ आलम लोग जाते हैं छद्दर चढ़ाते हैं सबों ने अवलिया को सबको समझ लिया है उस वक्त के मौरखीन ऐसे ऐसी बातें लिखते हैं कि हमें पढ़ के खून के आंसू आते हैं कि लोगों की हालत इतनी बदतर हो गई थी दिन से बिल्कुल दूर हो गए थे और दिल्ली के अंदर बेह के अड्डे बना बन गए हैं दिल्ली के अंदर मुजरे ज्यादा हो गए दिल्ली के अंदर बदतरीन हरकतें गंदी हरकतें ये बहुत ज्यादा हो गई थी ना कि सिर्फ दिल्ली में जितने भी हिंदुस्तान के अहम सिटीज थे सबके ही हालत थी लोग खतरनाक तौर पर दिन से दूर हो गए थे अल्लाह ने उस मौके पर इस शख्सियत को भेजा इन्हो ये आए ये आने के बाद इन्होंने अपने वालिद से इल्म हासिल किया और सत्रह साल की उम्र में जितने भी उलू में इस्लामिया थे अकीदा होने दीजिए तफसीर होने दीजिए फिक होने दीजिए हदीस और अरबी जबान फारसी जबान और दूसरे फी मसाइल अल्लाह ने इन्हें इतना इल्म दिया कि 18 साल में इन्होंने पूरे इस्लामिया को अच्छी तरीके से पढ़ लिया और 18 साल में इन्होंने किताबें लिखना शुरू की और 18 साल में दिल्ली की सड़कों में उतरते और देखते कि जब लोग ऐसी बुराइयां करते तो लोगों के अंदर इसलाही काम शुरू करते हैं लोगों के अंदर इस्लाही काम शुरू करते हैं ये उस जमाने में इनका काम शुरू हुआ तो कब तक चलता रहा जी साथियों कब तक चलता रहा ये आज तक चल रहा है जितने भी आप मदारिस देखते हैं हिंदुस्तान में सब मदारिस आप पूछेंगे सब कहेंगे कि हम शाह वली उल्लाह के तरीके पर हैं वो चाहे देवबंदी हो वो चाहे बरेलवी हो वो चाहे दूसरे सलफी हो वो चाहे जमात अहले हदीस हो सब कहेंगे कि हम शाह वली उल्लाह हमारे इमाम हैं क्योंकि उनके जमाने में ऐसा काम हुआ और ऐसा दीनी रुझान पैदा हुआ और उनके शागिर्दों ने आगे चल के इतना काम किया ये जितने मदारिस देखते हैं आप ये सबके पीछे इन्हीं का हाथ है इन्हीं के शागिर्दों ने काम किया तो शाह वली इतने बुलंद मरतबे आदमी थे तो उलूम इस्लामिया को इन्होंने पढ़ा और लोगों के अंदर इस्लाही काम शुरू करते हैं बिदात को देखते हैं तो बिदात को रोकते हैं लोगों से कहते हैं कि बिदातों से कुछ फायदा नहीं है शरीय से दूर चले गए हो और अल्लाह की तरफ तो इन्होंने देखा कि लोगों के अंदर अल्लाह के कलाम को लेकर कुछ भी मालूम नहीं है इसकी वजह ये कि ये लोग फारसी जबान बोलते हैं ये लोग उर्दू जबान बोलते हैं इनकी जबान मुख्तलिफ हैं और अल्लाह का कलाम अरबी है अब यहां पर अरबी जबान सिखाने का सिस्टम ही नहीं है यहां के लोगों ने अरबी सीखना ही छोड़ दिया है अब उसके बाद जब कुरान पढ़ते हैं तो सिर्फ बरकत के लिए पढ़ते हैं कुरान के माने व मफाहिम से कोई ताल्लुक नहीं होता तो इन्होंने पहली मरतबा पहली मरतबा देखिए हिंदुस्तान में इस्लाम लगभग कब से है नब्बे हिजरी से है अब ये इनके जमाने में लगभग एक हजार एक सौ एक हजार एक सौ पचास हिजरी के आसपास सबसे पहली मर्तबा यानी लगभग हजार साल के बाद हजार साल के बाद पहली मर्तबा कुरान का तर्जुमा हो रहा है और पहली मर्तबा फारसी में कुरान का तर्जुमा हो रहा है तो जब इन्होंने कुरान का तर्जुमा लिखा लोगों ने इन्हें काफिर कहा लोगों ने कहा कि यह आदमी तो कुरान लिखता है यह आदमी तो जो है कुरान के मानों को दूसरी जबान में लिखता है ये आदमी कुरान के साथ तोहहीन कर रहा है कई लोगों ने कुफुर के फतवे दिए और कई लोग इन्हें कतल करने के लिए आ गए तो इसलिए ये बच के कहीं दूर दराज इलाके में रहते थे उतना इनके खिलाफ जो है प्रोपोगेंडा किया गया उस वक्त के बातिल ऊलमा उस वक्त के बेसमझ उलमा उन्हें जो दिन की सहम समझ नहीं थी फैम नहीं था वो इनके खिलाफ उमंड आए और इन पर हमला करने लगे तो ये अपने आप को बचाकर कहीं दूर दराज इलाके में चंद दिनों के लिए छप गए थे इस हद तक मामला पहुंच गया था पहली मरतबा इन्होंने जब तर्जमा किया इनकी कोशिश ये थी कि लोगों के पास इल्म पहुंचे उलमा का तबका है अवाम का तबका है उलमा का तबका दिन की चीजों से वाकिफ है लेकिन अवाम वाकिफ नहीं है तो अंधी तकलीद करती है अवाम को किताब क्या चीज है अल्लाह के रसूल की सुन्नत क्या है हदीस क्या है दलील क्या है इसे कुछ वानना नहीं कुछ लेना देना नहीं वो जाते हैं किसी मौलवी से पूछते हैं वो जो चाहे कहता और उसके बाद ये दीन समझ लेते हैं तो इन्होंने ये कोशिश की कि अवाम भी दीन कुछ समझे अवाम को लेकर बिठाकर दर्ज देते थे अवाम को बुलाकर दीन समझाते थे और ये पहले आदमी हैं हिंदुस्तान में जिन्होंने पहली मर्तबा बुखारी पढ़ाई पहली मर्तबा मुस्लिम पढ़ाया पहली मर्तबा सिहा सित्ता हदीस की किताबें पढ़ाई वरना उससे पहले यह सिलसिला था ही नहीं हदीसों को पढ़ना यह तरीका था ही नहीं ये बाकायदा एक मर्तबा हज में जाते हैं जब इनकी उम्र लगभग बीस बाईस साल की थी तो ये हज के सफर में जाते हैं और यहां के जितने भी उलूम थे सबको इन्होंने पढ़ लिया था और हज में जाते हैं मक्का मदीना में दो साल तक रहते हैं और दो साल रह के वहां के उलमा से इल्म हासिल करते हैं और ये वो जमाना था जब इनकी मुलाकात मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब से होती है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब तकरीबन जमाने के हैं यहां पर शाह शाहवी है तो वहां पर मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब सऊदी अरब जो आज है इसके जो बानी है आले सऊद इन्होंने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की दावत पर लब्बे कहा और उन्होंने जो अकेदा पेश किया उन्होंने इख्तियार किया जो आज सऊदी अरब देखते हैं इसके पीछे मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदीक का बहुत बड़ा हाथ है तो उन्होंने वहां पर काम किया ये यहाँ है यहां पर इन्होंने काम किया लेकिन उनका काम को अल्लाह ने पोलिटिकल एतबार से अल्लाह ने बढ़ोतरी दी तो आप देखते हैं कि कहाँ तक मामला पहुंच गया तो ये वो जमाना था दोनों मिलकर मक्का मदीना में इल्म हासिल करते हैं और दोनों के उस्ताद एक हैं एक का नाम रजा जो है रजा सिंधी हया सिंधी नाम एक मशहूर आलिम थे जिनके पास ये दोनों इल्म हासिल करते हैं और अबू ताहिर कुर्दी नामी एक बहुत बड़े मुहदस थे मक्का के अंदर उनके पास ये दोनों इल्म हासिल करते हैं और शाह वली देहलवी को पहली मरतबा हदीसों की किताबों को पूरी पूरी पढ़ने का मौका मिला कहते हैं कि मैंने बुखारी को पूरी पढ़ी मैंने सुन दारमी को पूरी पढ़ी और दूसरी हदीस की किताबों को मैं मुकम्मल यहाँ के लमा से जब, में जब पढ़ा तो मेरे ख्याल में तब्दीली आई और वहां पर उन्हें शेख खुलसिया और उनके शागिर की किताबें क्या है इनका क्या मरतबा है वहां के लोगों ने, ने बताया तो दो साल के बाद ये वापस हिंदुस्तान आए तो ये बिल्कुल बदले हुए थे और इनके स्ट्रैटीज बदल गए थे उससे पहले इस्लाही काम करना चाहते थे लेकिन जब वापस आए मक्का से तो इनके अंदर इतना जोश और इतना इनके अंदर हिम्मत पैदा हुई कि धड़ल्ले से उतर के इन्होंने काम किया और उसके बाद एक मदरसा बनाया दिल्ली के अंदर इनके वालिद साहब ने उसे शुरू किया था लेकिन उतना बड़ा नहीं था तो ये गए उसे रेनोवेट किया और उस जगह ये बढ़ गए मदरसे रहीमिया के नाम से वहां पर आज भी इलाका मौजूद है वहां पर ये बढ़ गए और वहां पर बैठकर इन्होंने इन्होने दरसो तदरीस का सिलसिला शुरू किया अब इतने साल दर्ज दिए यहां पर इन्होंने इनका जो इनकी जो मजलिस थी इनका जो छोटा सा मदरसा था ये मदरसा आगे चल के बड़े बड़े कामों के लिए बेस बनता है आगे चल के इनके लड़के जिनका नाम शाह अब्दुल अजीज आते हैं ये वो जमाना था ये पहले आदमी हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना जिहाद कहा शाह अब्दुल अजीज जो इनके फर्जन थे ये पहले आदमी हैं जिन्होंने फतवा ये दिया कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना जिहाद है तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना वाजिब है ये कहने वाले पहले यही आदमी और इन्हीं के शागिरदों ने एक का नाम जिसे हरकत शहीद कहा जाता है दो जबरदस्त उलमा मुजाहिद पैदा हुए एक का नाम अहमद शहीद दूसरे का नाम शाह इसमाइल शहीद ये दोनों ने मिलकर बाकायदा एक बहुत बड़ी जमात बनाई और ये जमात की कोशिश ये थी कि हिंदुस्तान में जितने भी बातिल लोग घुस आए उसमें अंग्रेज हो गए उसमें सिख हो गए इनके खिलाफ बाकायदा बाहादे लड़ते हैं जिहादे और बाद में सिखों ने इन दोनों को कत्ल कर दिया एक मुस्तकिल तारीख है लेकिन इसके पीछे शाह वली देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात का बहुत बड़ा हिस्सा है तो मैं बता रहा था यहां पर हदीस को किताबों को लाकर लोगों को इन्होंने हदीसों को पढ़ाया लोगों को बुलाया उन्हें दीन की तालीम दी तो ये छोटा सा मदरसा अल्लाह ने इसमें इतनी बरकत डाली कि आज सारे हिंदुस्तान में मदरसों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क आप देख रहे हैं लेकिन अफसोस के यहाँ पर आजादी के बाद से इसमें वो काम नहीं हो पाया उससे पहले हो रहा था लेकिन बहरहाल जो भी आज हिंदुस्तान में आप देखते हैं उसके पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ है इनकी वफात होती है 1186 100 1176 हिजरी में इनकी वफात होती है इनके असल जो कारनामे हैं बहुत सारी इल्मी किताब इन्होंने लिखी मैंने खुद एक किताब इनकी मशहूर किताब है हजतुल्ला बड़ी जबरदस्त किताब है मैंने खुद कई अरबों से उसकी तारीफ सुनी वो कहते हैं कि कैसे एक हिंदुस्तान में रहकर एक आदमी ऐसी किताब लिख सकता है हम जो अरब माहौल में रहते हैं अरबी बोलते हैं हम उन लोगों में से किसी ने ऐसी किताब नहीं लिखी ये आदमी ने कैसे इस किताब को लिख लिया किताब का नाम है ये हर चीज की बैन करने की कोशिश करते हैं आप नमाज में रुकू करते हैं तो रुकू करने की क्या हिमत है अल्लाह ने कहा अल्लाह के रसूल ने कहा ठीक है लेकिन इसके पीछे क्या है क्यों अल्लाह आपको रुकू करा रहा है क्यों अल्लाह आपसे सजदा करा रहा है क्यों अल्लाह आपसे रोजे रखवा रहा है क्यों अल्लाह आपसे कहता है कि आप हज करें ये जो इबादत हैं इसके पीछे क्या हमते हैं और इस्लाम में जो मामलात हैं

एक सौ से ज्यादा किताबें लिखी उस तफसीर में में बहुत सारी इनकी काम है लेकिन जो मैं अवी सतह पर इनका काम था वो मैं आपके सामने जल्दी जल्दी पेश कर देता हूं पहला इन्होंने काम किया बिदातों के गोल को तोड़ा बिदाते लोगों ने मस्जिद को बुला दी दरगाहों को अपना इबादत गाह बना लिया उसमें इन्होंने बहुत ही ड्रामेटिकल चेंजेस लाए लोगों के अंदर से तोहुमात को खत्म किया है ना ऐसे लोग थे जिन्होंने हजरत जी को सब कुछ समझ रखा था दरगाह नहीं जाएंगे तो ये बर्बाद कर दिए जाएंगे न्याज वो चादर नहीं चढ़ाएंगे तो इनके काम नहीं होंगे ये जो सोच थी इसमें इन्होंने बहुत बड़ी चेंजेस लाई अल्लाह अकबर बहुत बड़ी लेकिन अफसोस के आज हमारे माशरे में जो लोग ये चढ़ावे चढ़ाते हैं ये जो पीरी मुरीदी का जो गोल चल रहा है शमलों का जो गोल चल रहा है लोगों को दीन के नाम से लूटने का जो सिलसिला हम देखते हैं ये भी आज ये कहते हैं कि हमेशा वही के रास्ते पर हैं जबकि उन्होंने इसके खिलाफ काम किया है इसके खिलाफ किताबें लिखी है पता नहीं कहां से ये लिंक पैदा कर लेते हैं अजीब गरीब लोग हैं तो इन्होंने सबसे पहला जो काम किया में में तब्दीली और ये इन्होंने अपनी किताब साफ साफ लिखा है। साफ लिखा है है कि अकीदा आदमी का ईमान ये दुरुस्त होना चाहिए सबसे पहले दावती काम में सबसे पहले इस्लाही काम में ये नहीं कि आपको नमाजी बनाए ये नहीं कि आपसे रोजे रखवाएं सबसे पहला काम यह है कि आपके ईमान को दुरुस्त करें सबसे पहला यह काम है कि आपका ईमान अल्लाह पर कैसे है अल्लाह के सिफात को लेकर आपका ईमान कैसा है तो उस जमाने में इन्होंने अकीदे के क्लासेस पढ़ाए लोगों को अकीदा सिखाया वहां से इसलाही काम शुरू हुआ जो आज अलहमदुल्ला आप देख रहे हैं उसके बाद ये पहले आदमी है जिन्होंने कहा कि जो मसाइल हैं लोगों ने समझा ये जो मसाल हैं कि भाई तरावी आर्टर मसले से कोई मसाय लोग बताते हैं और सुन लीजिए लोगों से कहा कि हदीस और कुरान से निकाले हैं ये मसायल कोई भी आदमी अपनी मर्जी से बोल नहीं सकता ये मसायल का ताल्लुक पीछे ये किताबों सुन्नत से इनका गहरा रिलेशन है किताबों सुनने से मसाइल निकालते हैं तो इन्होंने लोगों को हदीस पढ़ा के हदीस से मसाइल निकाल कर दिखाया लोगों को बाद में समझ में आया कि आह ये हमारा दीन है ये इनका बड़ा काम है और उसके बाद लोगों को ये कहा कि भाई हर अमल करते हो तो दलील की बुनियाद पर करो ये नहीं कि फलाम मौलवी ने कह दिया बात खत्म ये थोड़ी दूसरे मजहब जैसा है कि उनके ऋषि मुनि ने कह दिया तो आप करते जाइए दलील मत पूछिए ये कौन सा तरीका है शरीयत दलील के बुनियाद पर है आपको खुली छूट है कि आप दलील पूछे लोगों से जो भी अमल करना है पूछिए कि कहां है कौन सी हदीस में मौजूद है, है? कुरान की कौन सी आयत में चीज है तो उन्होंने कहा कि शरीयत मुदल्लल है शरीयत का हर चीज दलील की बुनियाद पर है यह नहीं कि आप जो चाहे करते जाए जो चाहे मन में कहें कि इबादत है बैठे बैठे कोई इबादत को शुरू कर दे इबादत शुरू करना ये इंसानों का इख्तियार नहीं ये उलमा मौलवी लोगों का काम नहीं कि वो, वो लोगों से कहे कि ये काम करो ये चीज को पढ़ो ऐसे पढ़ो ऐसे, ऐसे करो ये लोगों को शुरू करके कर देना ये मौलवी लोगों का काम नहीं है इबादत को इबादत कहना ये अल्लाह का काम है अल्लाह अलैहिस्सलाम को बताता है कि इबादत ऐसी करनी है जिब्राइल के जरिए से तो नबी वसल्लम जिब्राइल से सीख के उम्मत को सिखाते हैं कि भाई यही इबादत है फजर में दो ही रकात है कोई आदमी नहीं कह सकता कि भाई मैं फजर के लिए उठकर आता हूं जो है बड़ी मुश्किल से आता हूं क्यों दो रकात पढ़ो एक बीस रकात पढ़ के जाऊंगा घर है ना उसे शरीयत कहती है कि भाई आप इसमें दखल अंदाज नहीं कर सकते दो ही रकात पढ़ना है अल्लाह ने यही कहा है यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है आपकी मर्जी से इबादत नहीं शुरू कर सकते तो इन्होंने लोगों से कहा कि हर चीज की दलील पूछिए हर चीज की दलील की बुनियाद पर काम होता है यहां लोगों की मनमानी नहीं चलती मौलवी लोग जो भी कहें वो दीन नहीं हो सकता मौलवी आपसे कहें कि फुलान चीज पढ़े फुलान चीज करें ये दीन नहीं हो सकता आप दलील पूछिए दलील के बुनियाद पर दीन है हर काम हर इबादत दलील पर आए दलील नहीं तो इबादत नहीं है जो चीज दलील नहीं है वो चीज नहीं करनी है दरगाहों को घट बनाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है और आप कैसे बना रहे हैं दलील कहां है ये जो कुछ हो रहा है ये क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया या फिर नबीसलम के साहबा ने ऐसा किया दलील कहाँ है कुरान की आयत कौन सी इस पर दलील है हदीस नबी की कहां है तो इन्होंने लोगों को यह बड़े जोर शदोम से सिखाया कि हमारी शरीय मुदल है दलील की बुनियाद पर है वरना इस पर पहले लोग कुछ और ही समझते थे इनकी कमी और चौथी कामयाबी इनकी ये है इन्होंने बादशाह के लेवल जो गवर्नमेंट के लेवल के लोगों को खिलाफत राशिदा कैसे होती है खिलाफत किसे कहते हैं और खिलाफत कैसी होनी है पब्लिक को कैसे एडमिनिस्ट्रेट करना है इन चीजों को ये लोगों तक लाए और इन चीजों को उन्होंने फैलाया और उसके बाद बहुत सारी ऐसी लड़ाइयां हुई जिनमें इन्होंने अपने शागिर्दों को भेजा मुजाहिदीन को तैयार किया अपने हलकों में जहां पर उलमा उलमाक इन्होंने तैयार किया वहां पर इन्होंने मुजाहिदीन को तैयार किया जब दिल्ली सल्तनत कई मरतबा डूब रही थी इन्होंने अपने शागिर्दों को भेजा लड़ने के लिए सुबह अल्लाह कितने बड़े बड़े कारनामे देखिए और उसी तरीके से सबसे बड़ा कारनामा इनका ये कि ये बैठ कर दर्ज देते थे बैठ कर लोगों को पढ़ाते थे इनके जरिए से हजारों पैदा हुए सौ सौ नहीं बैठ हजारोंमां पैदा हुए जो सारे हिंदुस्तान में घूम घूम कर दिन की तालीम देते थे तो ये इनके अहम कारनामे हैं जो मैंने आपके सामने पेश किया और इलमी कारनामे तो इनकी अनगिनत है इनकी ओसूल तफसिर की किताब फिकों पर किताब और मअा की शराह और उसके बाद अलसाफ फी फी मसाइल ये जो मसलों को लेकर जो इख्त कर लेते हैं ये 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 अख्तलाफात को कैसे दूर करें ये बेहतरीन किताब है ज्यादा गुफ्तगु हो जाएगी यहाँ पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमने जो भी सुना है जो भी कहा है इसके मुताबिक कमल करने की तोफ़ी बख्शे और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह सुबहान तै रमज़ान के हमारी मेहनतों को कबुल फरमाए हजाबल्ही तोफीक वाल नबी महम्मद वली वहबी है जुमाइन मौजूद के मतलब कोई सवाल है तो कर सकते हैं इन देवबंद हजरत जो अपने आप को उल्लाह दहलवी रमोत लाई से कनेक्ट करते हैं आ, ये अगर शाह देहलवी की किताब अतफहीमातली ऐसी किताबें पढ़ेंगे तो उन्होंने साफ कहा है कि मैं जिस चीज़ को मानता हूँ वो ये है कि हमारी पूरी बातें किताबों सुनने से रिलेटेड हो अगर मसाइल में इख्तलाफ हो तो सही दलील के बुनियाद पर फैसला हो दलाल के बुनियाद पर फैसला हो और वो खुद के हनफी की कई मुखाफत करते थे लेकिन आज हम देवबंदरा में देखते हैं कि वो कट्टर हनफी हैं और हनफी मसलक को छोड़ना उसमें जो है चेंजेस करना हदीस भी अगर ख़िलाफ़ जाए तो उसके बावजूद अपने मसलक को पकड़े रहना और अकीदे में मातोदी अकीदा, उसे पढ़ाना उसकी नौशरशात करना ये उनका आज भी तरीक़ा है हालाँकि शाह वली देहलोवी ने हाँ ये मक्का जाने से पहले उनकी पुरानी किताबों में ऐसी बातें नज़र आती हैं लेकिन मक्का जाने के बाद फिर वापस आने के बाद इन्होंने जो भी किताबें लिखी जैसे तफहीमतिया है तो इसमें उन्होंने सराहतान कहा है कि हमें ही सलफ़ुसि के रास्ते पर चलना है सलफुलसालहन ने जो दीन समझा वही हमारा दीन है तो उन्होंने अपने अकीदे को साफ बयान किया है तो ये जो हजरात हैं उन्हें इन चीज़ों को भी देख लेना चाहिए और इसके मुताबिक अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए वल्लम سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك